एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है 721 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, उसकी मैंने टेस्टिंग इस वीडियो में की हुई थी कि वो कितनी एक्यूरेट है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। टुडे आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दैट स्ट्रैटेजी और उसमें हम स्टॉकेस्टिक आरएसआई को इंक्लूड करेंगे टू गेट मोर एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वेलकम अगेन टू माय YouTube चैनल जहां पे हम स्टॉक फाइनेंस और ट्रेडिंग से की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में एक स्ट्रेटजी टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट कम है, मॉडिफिकेशन ज्यादा है, तो हम उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाने वाले हैं, फिर उसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे कि वेदर इट इज गुड और नॉट, और क्या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो दिस स्ट्रेटजी इज वेरी पॉपुलर और कई अच्छे यूट्यूबर्स ने इस स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। इस स्ट्रेटजी का नाम है 721 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो लेट मी डिस्कस दिस स्ट्रेटजी फर्स्ट लिटिल बिट और उसके बाद हम कहेंगे कि इंप्रूवमेंट क्या हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो, आप सिंपल भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ट्राई करता हूँ। ये जो एक्सपोनेंशियल ऐड हो गया, एक का हमें चेंज करना है, 7 कर देना है, ठीक है, और इसके स्टाइल में हम थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे। ओके, दूसरे का हमें करना है रेड, थोड़ा सा मोटा, एंड स्टाइल में हम कर देंगे इसको 21। ओके, सो दिस इज 721 का बेसिक स्ट्रैटजी। इसमें हम स्टॉकेस्टिक आरएसआई को इंक्लूड करेंगे टू इंक्रीज इट्स एक्यूरेसी, वो थोड़ी देर बाद होगा, तो पहले इसको समझो कि क्या है ये स्ट्रैटजी। तो इस स्ट्रैटजी का बेसिक फंडा ये था कि अगर 7 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है तो वहां पे एक बाइंग सिग्नल होता है, और अगर वो ऊपर से क्रॉस करता है तो वहां पे सेलिंग सिग्नल होता है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया, जो 7 पीरियड का है ब्लू कलर का, उसने 21 वाले को नीचे से क्रॉस, सॉरी ऊपर से क्रॉस किया, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, हमारा सेलिंग सिग्नल बनता है। ठीक है, टारगेट क्या होता है, जब दोबारा आपका अपोजिट डायरेक्शन में 7 वाला 21 को क्रॉस करेगा तो हम उसमें टारगेट बुक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे देखें तो 7 ने फिर से यहाँ पे क्रॉस किया तो ये आपका टारगेट हो सकता है। ठीक, देन स्टॉप लॉस आपका इसके पहले वाला कैंडल का टॉप या बॉटम आप ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रैटजी थी जो 721 पीरियड के मूविंग एवरेज पे बेस्ड है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसमें एक लीडिंग इंडिकेटर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मूविंग एवरेज अपने आप में एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो मूवमेंट होने के थोड़े देर बाद आपको बताता है कि भाई ये मूवमेंट हो गई, या फिर भाई ये ब्रेकआउट हो गया, कि भाई ये रिवर्सल हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम उसमें एक इंडिकेटर ऐसा जोड़ दें जो उससे थोड़ा लीडिंग है, उससे थोड़ा पहले इंडिकेशन दे देता है, तो आप प्रिपेयर पहले हो जाओगे कि आपको एंट्री करने का मौका आ रहा है, और वही काम करने वाला है स्टॉकिस्टिक आरएसआई। तो हम आएंगे इंडिकेटर में, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉकिस्टिक आरएसआई और ये आपको मिल जाएगा। इस इंडिकेटर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आरएसआई वाला होता है 70 से ऊपर तो ओवरबॉट, 30 से नीचे तो ओवरसोल्ड, और उस टाइम पे आप डिसीजन बनाते हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे इसमें खुद के भी क्रॉसओवर होते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी। अब इसमें सेटिंग आपको डिफॉल्ट रहने देनी है, यहाँ पे आपको 80 और 20 का स्ट्रक्चर मिलेगा, कि 80 के ऊपर आपको समझना है कि ओवरबॉट है और 20 के नीचे समझना है कि आपको ये ओवरसोल्ड है, लेकिन हम ये इस बेसिस पे एंट्री नहीं लेंगे, हमारी एंट्री होगी किसी और बेसिस पे। अब हमारे पास स्टॉकेस्टिक आरएसआई में दो लाइनें हैं, ठीक है, एक ब्लू वाली और एक रेड वाली। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि अगर ब्लू वाली रेड वाली को ऊपर से क्रॉस करती है तो ये इंडिकेशन है कि देयर माइट बी ए चांस कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर ब्लू वाली रेड वाली को नीचे से क्रॉस करती है तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ 721 पीरियड मूविंग एवरेज। स्टॉकिस्टिक आरएसआई का क्या काम है कि आपको पहले ही एडवांस में एक इंडिकेशन देता है कि देयर माइट बी ए चांस कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 2-3 कैंडल में आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे ही इसने ब्लू वाले ने रेड वाले को क्रॉस किया, आई विल गेट प्रिपेयर्ड, और क्रॉसिंग कहां पे हुई है, इस वाले कैंडल पे हुई है। ठीक है, इस कैंडल के आसपास क्रॉस हो गया है, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड कि मार्केट में देयर माइट बी चांस कि आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहां पे, सेल साइड पे। तो अब अगर मार्केट ने ब्लू 7 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर से, तो आपको एंट्री करनी है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग राइट हियर। ये आपको इंडिकेशन देता है कि नाउ यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्री, और ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि नाउ यू हैव टू टेक द एंट्री। नाउ स्टॉकेस्टिक आरएसआई की जरूरत क्या थी इस स्ट्रेटजी में इंक्लूड करने की, द मेन इशू इज कि कभी कभी जो ये क्रॉसओवर्स हैं वो इनिशियली आपको दिखते नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉसओवर्स आपको इनिशियली पता भी नहीं चलते हैं कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मार्केट में थोड़ी देर बाद चेंजेस आते हैं। बट अगर आप स्टॉकेस्टिक RSI के साथ मूविंग एवरेज को इंक्लूड करते हो तो स्टॉकेस्टिक RSI आपको इनिशियली एक इंडिकेशन देगा दैट देयर माइट बी अ चांस कि आपको एक ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है, देयर माइट बी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक ट्रेड मिलने वाला है एंड आप एक प्रिपेरेशन कर सकते हो। उसके बाद जब मार्केट में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री भी ले सकते हो। नाउ प्लीज रिमेंबर कि हर एक स्टॉकिस्टिक RSI के क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, वो एक इंडिकेशन है कि देयर माइट बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, लेकिन ट्रेड है कि नहीं है आप डिसाइड करोगे 721 के बेसिस पे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक मौका मिल सकता था, ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पे एक मौका मिल सकता था, बट मूविंग एवरेज ने आपको मौका नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एक मौका मिल सकता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ पे एक मौका मिल सकता है एंड वी गॉट दैट मौका। जैसे यहाँ पे आप देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो मूविंग एवरेज है उसने भी क्रॉस ओवर दिया एंड यू गॉट अ गुड ट्रेड। सो व्हेन इट कम्स टू इंडिकेटर, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कभी भी एक इंडिकेटर के भरोसे अगर आप रहोगे तो वो लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करेगा एंड देयर माइट बी चांस कि आप कई ट्रेड्स मिस कर दोगे। बट अगर आपने एक से दो इंडिकेटर कर लिए और अच्छे अच्छे इंडिकेटर हैं, लाइक मूविंग एवरेज अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर है, RSI अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर है, अब आपने उन दोनों को अगर मिक्स करके एक स्ट्रैटेजी बना दी, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड एक्यूरेसी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, और समझ में नहीं आई है तो अपने डाउट्स भी कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। एंड आवर एप्लीकेशन, आवर मोबाइल ऐप इज लाइव राइट नाउ। अगर आपको डेली मार्केट अपडेट्स चाहिए कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग जोन क्या है, ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो आप कॉमेंट में जो पिंड कॉमेंट है उसको चेक करो, ऐप डाउनलोड करो, फ्री कोर्स पाओ एंड डेली मार्केट अपडेट भी मिलेंगे, वो सब कुछ उस ऐप पे फ्री में है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।